देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। कृषि पर निर्धारित है बिहार और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने गृह जिला कटिहार में कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी आत्मा द्वारा पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां प्रखंड स्तर पर अलग अलग पदों के लिए 2 दर्जन से अधिक कर्मियों को नियोजन पत्र दिया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आज भी बिहार में 84% लोग कृषि पर निर्भर है और बिहार में बेहतर कृषि व्यवस्था से ही बिहार के विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसे में कई लोगों को नियोजन पत्र भी दिया है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। तो कई कर्मियों को नियोजन पत्र दिया गया है और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि ये जो कार्यक्रम है वो आत्मा द्वारा आयोजित की गई थी। जी हाँ, कटिहार में कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी आत्मा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया, जहां डिप्टी सीएम मौजूद रहे, कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, प्रखंड स्तर पर अलग अलग पदों के लिए 2 दर्जन से अधिक कर्मियों को नियोजन पत्र दिया गया। और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आज भी बिहार में 84% लोग कृषि पर निर्भर हैं और बेहतर कृषि व्यवस्था से ही बिहार के विकास को कायम रखा जा रहा है। जिन लोगों को नियोजन पत्र दिया गया उसमें से कई नौजवान हैं। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि युवाओं को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। स्तरीय लेखापाल का जो आज नियोजन हुआ है, तो कृषि क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन कैसे हम उसे तकनीकी तौर पर उसको कि कृषकों को इम्पावर्ड कर सके, तो इसके लिए हमारे आज नौजवान काफ़ी आए हैं और उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सरकार की प्रतिबद्धता जिस आम लोगों के प्रति है उसके प्रति अपने नज़रियों को सकारात्मक करते हुए वे कृषि तकनीकी के क्षेत्र में अपने अवदान को, अपने योगदान को निश्चित तौर पर निभाएंगे। चलिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको जरा रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार में जल्द खत्म होगी बिजली की समस्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह कहा है कि लोगों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। जी हां, बिजली में जो कटौती हो रही थी उससे अब राहत मिलने वाली है। ऊर्जा मंत्री ने समस्याओं के निदान का भरोसा दिया है। तो ऊर्जा मंत्री